कृष्णमूर्ति जी के साथ प्रश्नकर्ता, लंदन, 20 मार्च 1969। मृत्यु क्या है? प्रेम व मृत्यु के बीच क्या संबंध है? कृष्णमूर्ति, मेरे विचार से इन दोनों के बीच का संबंध हमें तभी पता चल सकता है जब हम मृत्यु का अर्थ समझ लें। जाहिर है कि इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि जीना क्या है। वास्तव में हमारा जीना क्या है? मेरा अभिप्राय रोजाना जीने से है, न कि किसी आदर्शवादी अथवा बौद्धिक मान्यता से, जिसके अनुसार हम मानने लगते हैं कि जीवन ऐसा होना चाहिए, जबकि वह वास्तविकता से कुछ और ही होता है। द्वंद, हताशा, अकेलेपन और अलगाव को ढोता हमारा यह जीवन वास्तव में है क्या? हमारा जीवन एक कुरुक्षेत्र है, जागते भी और सोते भी। हम इस जीवन से पलायन करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाने का प्रयास करते रहते हैं। संगीत, कला, संग्रहालय, धार्मिक अथवा दार्शनिक मनोरंजन के जरिए कैसे कैसे सिद्धांतों को गढ़कर व ज्ञान के चक्रव्यूह में कूदकर किसी भी तरह से बस पलायन खोजते हुए। पर हम और जो भी करें, किंतु इस द्वंद का, जिंदगी कहलाने वाले इस जंग का और इसमें निरंतर रहने वाले दुख का बस अंत ही नहीं करते। दैनिक जीवन में क्या दुख का अंत संभव है? कृष्णमूर्ति, जब तक हमारे मन में आमूल परिवर्तन ना हो जाए, तब तक हमारा जीना कोई सार्थकता नहीं रखता। प्रतिदिन कार्यालय जाना, जीविकोपार्जन करना, कुछ पुस्तकें पढ़ लेना, उन्हें चतुराई पूर्वक उद्धृत करने की क्षमता को पा लेना, सुविज्ञ हो जाना, यह एक ऐसा जीवन है जो खोखला और वस्तुतः बुजुर्गवा जीवन है। और यदि कोई इस स्थिति से अवगत हो जाता है तो वह जीवन का मूल्य गढ़ने लगता है, इसका कोई अर्थ ढूंढने चल पड़ता है। वह कुछ चतुर लोगों को तलाश लेता है जो इस जीवन को कोई अर्थ दे सके, इसे कोई प्रयोजन दे सके। इस प्रकार यह जीवन से पलायन का एक और तरीका बन जाता है। इस प्रकार के जीने में एक मूलभूत रूपांतरण आना जरूरी है। ऐसा क्यों है कि अधिकतर हम सभी मृत्यु से भयभीत रहते हैं? किस बात से भयभीत हैं हम? जिसे हम मृत्यु कहते हैं, उससे लगने वाले अपने सारे भय को देखिए। यह भय उस युद्ध का अंत हो जाने को लेकर है जिसे हम जीना कहते हैं। हम अज्ञात के भय से क्या हो जाएगा इसके भय से त्रस्त हैं। हम ज्ञात वस्तुओं के छूट जाने के भय से त्रस्त हैं। परिवार, पुस्तकें, घर और फर्नीचर और अपने निकटवर्ती लोगों के प्रति हमारी आसक्ति, हम ज्ञात के छूट जाने के भय से त्रस्त रहते हैं। और वह ज्ञात है दुख, पीड़ा और हताशा से भरा हमारा यह जीवन, जिसमें हर्ष भी कभी कभी चमक उठता है। इस अनवरत जारी रहने वाले संघर्ष का कोई विराम नहीं है। इसी को हम जीना कहते हैं और इसी के छूट जाने के भय से हम त्रस्त हैं। क्या यह मैं है जो इस तमाम संचय का परिणाम है और इस भय से त्रस्त है कि कहीं उसी का अंत ना हो जाए, जो इसीलिए कोई न कोई प्रत्याशा पालता रहता है और जो इसलिए पुनर्जन्म को आवश्यक मानता है, पुनर्जन्म की जिस अवधारणा में पूरा पूर्व विश्वास करता है, वह यह है कि आप अगले जीवन में सोपान के किसी ऊंचे पायदान पर जन्म लेंगे। इस जन्म में आप बर्तन धोने वाले हैं और अगले जन्म में राजकुमार या ऐसे ही कुछ होंगे और कोई दूसरा आपके बर्तन धोएगा। जो लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, उनके लिए तो यह महत्वपूर्ण होना चाहिए कि वे इस जन्म में क्या हैं, क्योंकि उनका अगला जन्म इसी बात पर निर्भर करने वाला है कि वे इस जन्म में क्या कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उनके विचार क्या हैं, उनके कार्यकलाप क्या हैं। तदनुसार ही उन्हें दंडित अथवा पुरस्कृत किया जाना है। परंतु वे इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं करते कि वे कैसा व्यवहार कर रहे हैं। उनके लिए तो
यह बस एक विश्वास है, अन्य विश्वासों की तरह ही। जैसे यह विश्वास कि स्वर्ग होता है, ईश्वर है आदि आदि। वास्तव में जिस बात का महत्व है वह यह है कि आप अब और आज क्या है, आप अब और आज कैसा व्यवहार करते हैं, न केवल बाहरी तौर पर बल्कि भीतरी तौर से भी। मृत्यु के संबंध में पश्चिम में सांत्वना पाने का अपना ढंग है, वह इसकी तर्कपूर्ण व्याख्या कर लेता है। पश्चिम की अपनी धार्मिक संस्कार बद्धता है। मृत्यु या अंत वास्तव में क्या है? अवयवों के इस पुंज का अंत तो होना ही है, क्योंकि इसकी उम्र ढलती है, या इसे कोई रोग हो जाता है, या यह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। हम में से बहुत कम लोग ससौंदर्य वृद्ध हो पाते हैं, क्योंकि हम उत्पीड़ित व्यक्तित्व वाले हैं, जो आयु के साथ साथ यह हमारे ढलते चेहरे से प्रकट होने लगता है, और वृद्धावस्था की अपनी उदासी है, अतीत की बातों को याद करते रहना। क्या हम मनोवैज्ञानिक रूप से प्रत्येक ज्ञात बात के प्रति मर सकते हैं, और वह भी प्रत्येक दिन? जब तक ज्ञात से मुक्ति नहीं हो जाती, तब तक हमें उसका स्पर्श नहीं हो पाता जो संभव है। जैसा कि होता है, हमारी संभावना सदैव ज्ञात की परिधि में रहती है, परंतु जब मुक्ति होती है तब यही संभावना असीम हो जाती है। अपने संपूर्ण अतीत, अपने तमाम आसक्तियों, व्यग्रताओं, अपने तमाम भय, दंभ और दर्प के प्रति मनोवैज्ञानिक रूप से क्या कोई इतने निशेष रूप से मर सकता है कि अगले कल की सुबह जब वह जागे तो वह एक बिल्कुल नया, ताजा, कोरा व्यक्ति हो? आप पूछेंगे, यह कैसे किया जा सकता है? कृष्णमूर्ति, इसका कोई तरीका नहीं है, क्योंकि तरीके में आगामी कल निहित होता है। इसमें यह निहित होता है कि आप उस तरीके का अभ्यास करके बाद में अगले दिन अथवा आगामी अनेक दिनों बाद कुछ हासिल कर सकते हैं, परंतु आप बौद्धिक रूप से नहीं बल्कि वास्तविक रूप से क्या इस बात का सच तुरंत देख सकते हैं कि यह मन कब तक ताजा, कोरा, निष्कपट, नवजात, जीवंत और उत्कट नहीं हो सकता? जब तक इसमें अतीत की प्रत्येक बात का मनोवैज्ञानिक रूप से अवसान न हो जाए, परंतु हम तो अतीत को जाने देना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम वह अतीत ही हैं। हमारे सारे विचार अतीत पर आधारित रहते हैं, हमारा सारा ज्ञान अतीत का ज्ञान है, इसलिए मन इसे छोड़ नहीं पाता। इसे छोड़ने की जो भी कोशिश वह करता है वह अतीत का ही अंश होती है, एक भिन्न अवस्था की अपेक्षा करने वाला अतीत। कृष्णमूर्ति, मन का एकदम शांत मौन होना आवश्यक है। जब तक इस सारे प्रसंग को देख समझ लेता है, तब यह बिना किसी अवरोध के, बिना किसी विधि प्रणाली के एकदम शांत मौन हो ही जाता है, मानव सदैव अमृत चाहता रहा है। वह एक चित्र बनाता है और उस पर अपना नाम जड़ देता है। यह अमृत की इच्छा का ही एक रूप है। अपने पीछे अपनी कुछ छाप छवि छोड़ जाने का वह इच्छुक रहता है। अब तकनीकी ज्ञान के अतिरिक्त उसके पास देने के लिए और है क्या? वह स्वयं क्या है? आप और मैं मनोवैज्ञानिक रूप से क्या है? आपके पास एक मोटा बैंक बैलेंस हो सकता है, आप मुझसे अधिक चतुर चालाक हो सकते हैं, परंतु मनोवैज्ञानिक रूप से हम क्या है? शब्दों का, स्मृतियों का, अनुभवों का भंडार। और यही कुछ हम अपने पुत्र को सौंप देना चाहते हैं, पुस्तक रूप में छाप देना चाहते हैं, अपने चित्रों में उतार देना चाहते हैं। मैं, इस मैं का महत्व सर्वोच्च रहता है। यह मैं किसी समुदाय के विरुद्ध खड़ा हो जाता है, और यह मैं अपनी एक पहचान बना लेता है, स्वयं को भर लेना चाहता है, महान बनना चाहता है। आप जानते हैं कि यही कुछ तो हो रहा है। यदि आप इस मैं को देखें तो आप पाएंगे कि यह तो स्मृतियों का एक पुलिंदा है,
खोखले शब्दों का एक गट्ठर है और यही है जो मेरे और आपके तथा हमारे व उनके विभाजन का एक मूल कारण है। यदि आप इस सब का अवलोकन करें, किसी अन्य के माध्यम से नहीं बल्कि स्वयं इस सब को समझे, बिना किसी निष्कर्ष, बिना किसी मूल्य निर्धारण और बिना किसी निग्रह निषेध के इस सब का अवलोकन करें, तो आप पाएंगे कि प्रेम तभी संभव है जब मरा जा सके। प्रेम स्मृति नहीं है, प्रेम सुख नहीं है। ऐसा कह दिया जाता है कि प्रेम का संबंध सेक्स से है, और फिर हम सांसारिक प्रेम और दिव्य प्रेम के बीच विभाजन पर लौट आते हैं, एक को निंदित और दूसरे को अनुमोदित करने लगते हैं। निश्चय है इनमें से कोई भी क्रियाकलाप प्रेम नहीं है, इससे मिलन नहीं हो सकता जब तक अतीत के प्रति संपूर्ण पीड़ा, द्वंद्व और दुख के प्रति व्यक्ति पूर्ण रूप मरता नहीं। प्रेम का आगमन तभी होता है और तब व्यक्ति जो चाहे कर सकता है।